फ्रेंड्स, तो ये मैं नारियल को खीस रही हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ मालपुआ। तो मैंने ये छोटा सा बॉल में लिया है 2 कप मैदा और 1/2 कप सूजी। उसके बाद मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी डालूँगी, जिसको जितना मीठा खाना है। तो मैं चीनी डाल के उसके बाद दूध डाल के इसे एक अच्छा सा घोल बना लूँगी। तो देखिए, ये मेरा घोल हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा दूध डाल के इसे मैं अच्छा सा एक घोल बना लूँगी। तो ये देखिए, मैं ये अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसे मैं ढक के रख दूँगी थोड़ा देर। तो उसके बाद कम से कम मैंने 1 डेढ़ घंटा रखा था। उसके बाद ये देखिए फिर से गाढ़ा हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और दूध डाल के इसे मैं फिर से मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह से फेंट लूँगी। उसके बाद मैं इसके बनाऊँगी मालपुए। और हमने होली में नहीं बनाए थे मालपुए, इसलिए बच्चों को भी खाने का मन था सबको, फिर मैंने बना लिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया और जो मैंने नारियल ग्रेट किया था वो, और थोड़ा सा इलायची का पाउडर। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी और ये बैटर रेडी है। उसके बाद मैं एक पैन बिठा दूँगी, उसमें डालूँगी रिफाइन तेल। और उसके बाद तेल गर्म हो जाए, पहले मैंने चेक कर लिया। उसके बाद मैं एक एक पुआ डाल के फ्राई कर लूँगी, और पुआ अपने आप फूल जाता है। उसके बाद मैं सारे पुए को इसी तरह से बना लेती हूँ। टेस्ट करिएगा, ठीक है? अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ। मैंने डाल दिए है एक बार में 4 पुए। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास बहुत सारे